कि मैं शायद पिछले जन्म या इस जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा जो मैं यहाँ तक आया। मैं आपका शिष्य बन के रहना चाहूंगा यहाँ पर, और ऐसे लोगों की सेवा के लिए आप जब मुझे मौका देंगे मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ हरियाणा में हर्ष प्रभा ट्रस्ट के अंतर। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ होता क्या है, आप अक्सर देखते होंगे कि कहीं अनाथालय होता है तो कहीं बुजुर्गों के लिए होता है, लेकिन ये वो जगह है कि आप इसे कहिए कि ये एक तो अनाथालय भी है। ये ऐसा अनाथालय है जो जिनके अब बच्चे छोड़ दे रहे हैं और माँ बाप अनाथ हो जा रहे हैं, ये ऐसा जगह है। मेरा सौभाग्य था कि मैं आज इस जगह पर आया और मैं यहां पर लोगों से मिला। सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि वो व्यक्ति जिसको आप अपने परिवार में एक दिन नहीं रखना चाहते हैं, मैं मिला हूं अभी, उस व्यक्ति के सैकड़ों, यहां भी 200 से ज्यादा लोग तो एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे, वो सिर्फ पुरुष वाली पंक्ति में, और महिलाओं के लिए अलग सुविधाएं यहां पे, जो मानसिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं, जो रोड पर भटक रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर यहां लाना इस संस्था का काम है, और उनको एक फैमिली की तरह, परिवार की तरह ट्रीट करना, व्यवहार करना। और मैंने देखा, मैं सोच में पड़ गया, और मैं एक घटना बाद में सुनाऊंगा, ऐसी घटना कि मेरे आंख से आंसू वहीं पे आ गए। सबसे पहले वीर जी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पूरे टीम को कि आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये कब से आप यहाँ पर करते हैं और ये जगह क्या है, आप जरा एक बार बता दें मुझे। सबसे पहले वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। ये संस्था जो भी चल रही है, हमारे जितने भी ये पत्रकार भाई हैं, ये मेरे वीर दीदी आज पहुंचे, आप यहाँ पहुंचने पर हर परवासरा के समूह परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, जो आपने यहाँ पहुंचकर हमारे जैसे लोगों को टाइम दिया, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और हमारे हर परवासरा के लगभग 300 जो हमारे पास बूढ़े बाड़े भाई बहन माताएं बुजुर्ग रह रहे हैं, उनसे हम आपकी और आपकी टीम की सदा ही खुशियां प्रदान करे भगवान आपको, जो आपने इतना यहाँ समय निकाल के पहुंचे। और इस जगह का नाम है हर प्रभ आसरा एलांबा ट्रस्ट, जिला सिरसा हरियाणा। मैं सबसे ज्यादा मैं इस बात से प्रभावित हुआ कि जैसे अनाथ बच्चों को या कोई बुजुर्ग को जो ऐसे ठीक हैं, उनको तो पालना बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन आप ऐसे लोगों को भी वहां रख रहे हैं जिनकी मानसिक रूप से स्थिति अभी ठीक नहीं है, बीमार हैं, कई के तो मैंने देखे कि उनके पैर में घाव हैं, उनकी इलाज, पूरे सब के लिए बेड की व्यवस्था, अलग अलग पर्सनल सबके बेड, बिछावन, खाना, पूरी साफ सफाई, मतलब इतनी सारी चीजें, और इस तरह के रिस्क लेने का इच्छा कैसे हुआ आपको? जैसे परिवार वाले को मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके बेटा जज है, उनके एक बेटा इंजीनियर है। हम कहते हैं ना कि अपने बाल बच्चों को पढ़ा के एक बड़ा आदमी बनाना है, अब जज से बड़ा क्या बनाओगे आप? इंजीनियर है, जज है, लेकिन वो कह रहे थे वीर जी को, मैं साथ में गया था, वो कह रहे थे कि मुझे अपने बेटा से एक बार बात करा दो, बस मैं बेटा से बात करना चाहता हूं, वो मुझे आके ले जाएगा। वीर जी ने कहा कि नंबर याद है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे नंबर याद है, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर बताया, वीर जी ने अपने फोन से लगाया उनके बेटे को, जल्दी तो फोन नहीं उठाए, जब फोन उठाए तो इन्होंने बात करा और कहा कि लो अपने पिताजी से बात करो, और पिताजी कहने लगे कि बेटा आओ मुझे आके ले चलो, अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं, तुम मेरा पासबुक लेके जाओ, तुम जाके वहां पर अपडेट करवाओ बैंक में, और तुम देखना मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तुम मुझे ले चलो, अपने से दूर नहीं रखो। सोचो एक बाप, अगर कोई बेटा जज बना है तो बिना बाप के त्याग के नहीं बना होगा, बिना उस मां के त्याग के नहीं बना होगा, लेकिन वह बंदे ने इनकार कर दिया, कहा मैं तो मां से ही परेशान हूं, अभी आप उधर ही रहो। यानी मां बाप भीख मांगते हैं एक जज बना के, एक जज की कुर्सी पर बैठा वह व्यक्ति न्याय और अन्याय की फैसला करता है,
लेकिन अपने माँ बाप को दूर रखता है, बस इसलिए कि कहीं माँ बाप उनकी थोड़ी मानसिक रूप से परेशान हो, बीमार हैं, इस अवस्था में जब उनको अपने संतान की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, उस समय ये इंसान छोड़ देता है। दोस्तों मतलब ये देखकर ये दृश्य मैं एक की कहानी नहीं है, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं शायद पिछले जन्म या इस जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा जो मैं यहां तक आया। मैं आपका शिष्य बन के रहना चाहूंगा यहां पर, और ऐसे लोगों की सेवा के लिए आप जब मुझे मौका देंगे मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और मुझे बस आपसे आशीर्वाद यही चाहिए कि मैं हमेशा आपके साथ बना रहूं। ईश्वर बस मुझे इतनी शक्ति दे और इतनी ही बुद्धि दे। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर आप आके यहां के, ऐसे नहीं कि आप आके कहीं से किसी को पैसा भेज दिए, नहीं, अगर आप चाहते हैं तो कभी भी अगर आप दानवीर बनना चाहते हैं या ईश्वर ने थोड़ी सी ताकत अगर आपके अंदर दिया है तो आप जरूर यहां आइए और वीर जी से मिलिए, और आपको जब ये दिखाएंगे यहां लोगों को कैसे रखते हैं, कितना बढ़िया से, जो मानसिक रूप से ठीक हो जाते हैं ना, मैंने उनको देखा, वो अब घर नहीं जाना चाहते हैं, वो तो घर जाने के लिए वो कह रहे हैं जो थोड़ा सा परेशान है, उनको नहीं पता होता है कि मैं यहां कैसे हूं क्या हूं, लेकिन जो ठीक हो जाते वो घर नहीं जाते, उनके घर वाले ले जाने आते वो जाना नहीं चाहते, वो कहते कि मैं यही रहूंगा, इतनी फैमिली की तरह उनको रखते हैं। और अगर किसी को यहां आना हो तो एक बार फिर से आप जगह बता दें कि कैसे वो आ सकते हैं यहां पर, सहयोग कर सकते हैं हमें। हर पर बासरा एलाहाबाद तहसील, एलाहाबाद जिला सिरसा हरियाणा। यदि आपका कोई बहन भाई गुम हुआ हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर फोटो भेज के या आके आप देख के ले जा भी सकते हो। तकरीबन 200 के करीब मेरे पास भाई रह रहे हैं, 100 के करीब बहनें और माताएं रह रही है। यदि आपका किसी का भाई बहन कोई गुम हुआ हो तो आप उसको आके ले जा भी सकते हो। यदि आपको कहीं रोड पर ऐसा मिले जिसका कोई सहारा ना हो उसको आप छोड़ के भी जा सकते हो। ये सब लोगों को मेरी एक अपील है, आपको कहीं भी ऐसा कोई भाई बहन बुजुर्ग माता मिले तो प्लीज आप उनको यहाँ छोड़ के भी जा सकते हो। आज का जो खाना था वो पूरे दिन का, ये हमारे भाई की तरफ से जो इन्होंने आज करा है, हम उसके लिए भी इनके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे जो भाई साहब इधर बैठे हैं ये भी हमारे अक्सर ही सेवाएं देते रहते हैं। इधर भाई साहब जो ये जितने भी हमारी टीम है सारे हमारे सदस्य है, हम सबसे यही अनुरोध करते हैं भी आपको सबसे जरूरी बेनती भी, आपको कहीं भी ऐसा कोई मिले तो तुरंत हमें आप सूचित करके, यदि 100-150 किलोमीटर 200 तक हो तो हम जाके ले भी आते हैं, ज्यादा दूरी पर हो तो आप छोड़ के जा सकते हो, जो कि इनके रहने की खाने की यहाँ टोटल व्यवस्था है। एक तो वो बीमार है, दूसरी बात वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं से वो परेशान है, या जिनके कोई नहीं है ऐसे लोगों को ये सहारा देते, इसलिए आप सब भी पुण्य के भागीदार बनिए और इस वीडियो को शेयर करके वैसे लोगों तक पहुंचाइए जो सारे लोग। आप कुछ कहना चाहेंगे? मोबाइल नंबर, हाँ जी, हमारा जो मोबाइल नंबर है जी वो 93541380513, 93541380513 ये हमारा मोबाइल नंबर है जी, किसी भी बहन भाई ने कांटेक्ट करना हो तो कर सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।